अमेरिकी निर्देशक वुडी एलन 6 दशकों से अधिक समय से मनोरंजन जगत का हिस्सा हैं। एकेडमी पुरस्कार विजेता निर्देशक ने अब घोषणा की है कि वह अपनी अगली फिल्म वास्पा 22 की रिलीज के बाद संन्यास ले लेंगे। निर्देशक ने एक स्पेनिश अखबार को इस बारे में बताया और कहा कि अब वह अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। 86 वर्षीय वुडी एलन की आखिरी फिल्म पेरिस में स्थापित है और इसकी शूटिंग कुछ हफ्तों में पूरी तरह से फ्रेंच में शूट की जाएगी। निर्देशक ने अपने फिल्म वास्पा 22 को एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म बताते हुए उसकी तुलना उनके 2005 में आई फिल्म मैच पॉइंट से की है। एलन ने हाल ही में हास्य टुकड़ों का अपना 5वां संग्रह जीरो ग्रेविटी लिखा है, जिसे 27 सितंबर को स्पेन में एलियंजा द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यूएस में इसके आकरेट द्वारा प्रकाशित और साइमन एंड शूटर द्वारा वितरित किया गया था। उन्होंने 2022 में सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत रिपकिन्स फेस्टिवल के साथ की, जिसे सैन सेबेस्टियन के टोनी शहर में और उसके आसपास फिल्माया गया था। वहीं उनकी पिछली फिल्म अरेनी डे इन न्यूयॉर्क को अमेजन स्टूडियो द्वारा स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एलन पर अपनी बेटी डायलन पेरो के दुर्व्यवहार के आरोपों पर उनकी टिप्पणियों द्वारा फिल्म के उत्सव को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। इस पर एलन ने अनुभूति उल्लंघन का आरोप करते हुए कंपनी पर 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा दायर किया। हालांकि बाद में विवाद को अदालत के बाहर सुलझा लिया गया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।